इसको आज हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स के ऊपर, और हम देखेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ऑफ एलिप्स से क्या मुराद है। ठीक है, तो देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ना, हमने जो एलिप्स की जो इक्वेशन है वो पढ़ी थी, स्टेंगर इक्वेशन। ठीक है, अब स्टेंगर इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास दो किस्म की बनती है, क्योंकि दो स्टेंगर एलिप्स बनते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास बनती थी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए जो इक्वेशन बनती है। ठीक है, और अगर ये वर्टिकल इलिप्स की अगर मैं बात करूं, तो वर्टिकल इलिप्स के लिए क्या होता है, वी फॉर वर्टिकल, ठीक है, और ई फॉर इलिप्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सेम टू सेम यही होती है, बस फर्क ये होता है कि हमारे पास क्या आ जाता है, बी इधर आ जाता है, ठीक है, प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब ये हमारे पास दोनों क्या है, स्टेंगर इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, जिसका हमारे पास जो इलिप्स अगर मैं बनाता हूँ, लेट सपोज इधर मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना, एक रफ सी शेप बना लेता हूँ, ठीक है, लाइक इस तरह से, ठीक है ना, और ये थोड़ा ठीक से नहीं बना, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ये इस तरह से। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये होता ये है कि हमारे पास जो इलिप्स का जो सेंटर होता है ना, सेंटर ऑफ द इलिप्स, वो ओरिजिन पे लाई करता है। ठीक है, और उनके जो फोकस है वो दोनों के दोनों जो दो फोकस बनते हैं वो एक्सिस के ऊपर बनते हैं। अगर ये, अब जाहिर सी बात है ये फोकस जो है हमारे पास एक्स एक्सिस पे बनना है, तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये वाली इक्वेशन होगी। अगर यही घूम के इधर आ जाए और सेंटर यहीं पर ही रहे, इसको मैं रोटेट करवा लूँ यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ जाओ के लाइक ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एलिप्स होगा ये वर्टिकल होगा, इसकी इक्वेशन लिखी हुई। ठीक है, अब जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन विथ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई वो क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल ले लूँ या ये ले लूँ, बात एक ही है, मैं जो है ना एक इस वाली इक्वेशन को कंसिडर करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये वाली जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, इसको बल्कि मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ। ठीक है ना, हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 25, ठीक है, प्लस हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया 16 इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर इसको जो है ना मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लेकर आऊँ, तो वो हमारे पास क्या होती है। अब जनरल फॉर्म से क्या मुराद है, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन विथ टू वेरिएबल ये हमारे पास होती है। अब देखिए ये इस फॉर्म में आई भी, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है ना, ये हमारे पास स्टेंगर इक्वेशन है। ठीक है, हमारे पास होती है ए एक्स, ठीक है, हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू एक्स एच वाई एच टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसको मैं जो है ना थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये वाली जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, और इस वाली इक्वेशन को भी थोड़ा सा अभी मैं यहाँ पर करता हूँ और इसके ऊपर भी आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है विद टू वेरिएबल। तो ये इक्वेशन जो होती है, हम जो एलिप्स पैराबोला जो है जनरल फॉर्म में आप जो है ना हम इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो हमारे पास फॉर्मेट लिखी हुई है, फॉर्मेट से मुराद एक जो इसकी लिखाई है, हम बोलते हैं यार ये किस तरह से लिखा हुआ है, एक्स इधर आया हुआ है, ये हमारे पास ये ए की वैल्यू होती है, अगर मैं इसको स्क्वायर करके लिख लूँ तो ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, तो इधर ए और बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो जिस तरह से हमने इसको एक फॉर्मेट में एक शेप में लेके आए हुए हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या है, स्टेंगर है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी जो ओवरऑल जो इलिप्स होते हैं वो जनरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। ठीक है ना, अब वो जनरल जो इक्वेशन होती है वो ये वाली होती है। ठीक है, अब ये एक ऐसी इक्वेशन है सेकेंड डिग्री इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, इसके अंदर देखो एक्स और वाई दोनों हैं। तो हमारे पास ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो जो स्ट्रेट लाइन इस तरह से पास कर रही होती है, ज्वाइंट इक्वेशन अगर मैं उनकी लिखूं, यानी मेरे पास ये एल हो, ठीक है, ये एल लाइन हो और ये एल वन हो, अगर इन दोनों की इक्वेशन में इनको ज्वाइंट करके इकट्ठा करके लिखूं, तो वो भी इस तरह की शेप बनाएगी। सही है, अगर मैं एक सर्कल जो है वो भी इस तरह की शक्ल बनाएगी, अब एग्जैक्टली इस तरह की शक्ल नहीं बनाएगी, हाँ एग्जैक्टली नहीं है, शायद उसके अंदर एक टर्म कम, एक जो टर्म है जैसे ये टर्म है ए,
ये वाली एक टर्म है, ये वाली एक टर्म है, एक दो तीन चार पाँच छः सात तकरीबन इसमें टर्म है, तो हो सकता है उसके अंदर एक टर्म कम हो। ठीक है, तो होगा क्या, ओवरऑल इस तरह की वो शेप बनाएगी वो जो इक्वेशन होंगी। ठीक है ना, यानी जैसे सर्कल हो गया, अब पैराबोला हो गया, तो एक पैराबोला भी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक पैराबोला जो है, अगर मैं पैराबोला यहाँ पर बनाऊँ तो वो भी इस तरह की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, मगर कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो उसके अंदर मैंने सर्कल की केस में बताया था ये क्या होता है। ठीक है, तो अब ये हम बात कर रहे हैं इलिप्स के ऊपर। देखिए, अगर ये पैरा इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई होती एग्जैक्टली यही वाली हो, सही है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो एच होता है, हम उसको एच को जब सेपरेट करते हैं ना, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका कोफिशेंट और वाई का कोफिशेंट, यानी ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है एच का स्क्वायर। ठीक है, किस केस में, जब ये इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करेगी, सही है, अगर एच स्क्वायर, अगर इस तरह की इक्वेशन हमारे पर लिखी हुई हो, ठीक है, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी जो है हमारे पास, सही है, अगर वो हमारे पास हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक पैराबोला। ठीक है, और अब पैराबोला तो हम नहीं पढ़ रहे, सही है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलिप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इलिप्स, जब वो इलिप्स बयान करेगी तो हमारे पास जो एच है, एच इज इक एच माइनस एच स्क्वायर माइनस, अब माइनस है, ठीक है ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, बल्कि इज इक्वल टू नहीं, ये वैल्यूज हमारे पास आएगी लेस देन जीरो। ठीक है, यानी अगर मैं ये जो इक्वेशन लिखी हुई होती है, ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई होती है उसके अंदर से मैं ए और बी का प्रोडक्ट जो है उसको माइनस करवाता हूँ एच स्क्वायर में से, तो अगर वो हमारे पास लेस देन जीरो आता है, लेस देन जीरो का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो है वो, अगर हमारे पास वो जो नेगेटिव में आती है, सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू अगर आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो इट्स मीन ये एक हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक एलिप्स रिप्रेजेंट कर रही है, एलिप्स, सही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एलिप्स, सही है। अब ये अगर आप इक्वेशन देखो तो ये मैंने एक रियल टाइम जो है मैंने, यानी एक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब जरा मैं इसको इस शेप में लेके आने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो गई, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो ये करना पड़ेगा, मुझे तो जीरो की फॉर्म में लेके आना, एक तरफ जीरो बचाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वन को इस तरफ लेकर आ जाऊँगा। ठीक है ना, तो मेरे पास आ जाएगा, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 16 से मल्टीप्लाई, और 16 ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, और इधर मैं क्या करूँगा 25, इधर भी 25 मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 16x² प्लस 25y² इज इक्वल टू, ये हमारे पास वन, और ये हमारे पास क्या आई है वैल्यूज, ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे 25 मल्टीप्लाई 16, ये हमारे पास क्या होती है वैल्यू, तो ये वैल्यूज स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास 14 और 40, सही है, ओ सॉरी 14 नहीं, 400। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो फोर, ये जो हमारे पास 400 जो है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर मैं इधर आ रहा है ना, अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये 400 इधर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, 16x² प्लस 25y², ठीक है, माइनस 400 इज इक्वल टू जीरो, तो कितनी टर्म बननी है, एक दो तीन, और इसमें कितनी बननी है, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, छः बननी है तकरीबन, सही है। देखिए, मैंने कुछ जो टर्म है वो मिस तो नहीं करी, x² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सही है। अब ये तो इस शेप में नहीं बनी, तो देखिए ये इक्वेशन भी जो है, जो मैंने लिखी है, ये स्टैंडर्ड थी, स्टैंडर्ड थी। अब स्टैंडर्ड क्यों थी, क्योंकि स्टैंडर्ड को हम जब कहते हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन जो कि हमारे पास कहाँ पर बनता है, फोकस पे बनता है। जब फोकस पे बनता है तो मैंने आपको बताया था कि इलिप्स जो के जो सेंटर होगा वो जाहिर सी बात ही क्या होगा, 0,0 होगा, और उसका जो फोकस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आता है या तो इस वाई एक्सिस के ऊपर आता है, तो इस वजह से हमारे पास कुछ टर्म्स जो हैं वो कम हो गई हैं। ठीक है, अगर हमारे पास, अगर ये हमारे पास, अगर इलिप्स जो है, ठीक है, अगर मैं जो इलिप्स अगर दोबारा से इधर बनाने की कोशिश करता हूँ लाइक इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास एक परफेक्ट शेप बन गई है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास, समझ लो इसकी लिखी हुई, अब ये स्टैंडर्ड है, अब जैसे ही ये स्टूडेंट्स इलिप हमारे पास यहाँ पर ट्रांसलेट करेगा, वही बात, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ऑफ इलिप्स,
जो उसके जो एक्सिस है किसके, हमारे पास इसके भी तो एक्सिस है ना, यानी अभी इस केस में जब ये सेंटर में बनता है तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इसका जो माइनर एक्सिस है वो इसके ऊपर लाई करता है, और एक्स इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जैसे ये हमारे पास ऊपर कहीं सरकेगा खिसकेगा तो हमारे पास ये इक्वेजन के अंदर एक दो टर्म और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे बढ़ेंगी वो मैं आगे बताऊंगा, यानी ये इससे थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करूंगा तो फिर एग्जैक्टली यही इक्वेजन बनेगी, ठीक है। यानी हमारे पास जो है ना, अगर ये पैराबोला ओब्लिक्स बनता है, इलिप्स सॉरी ओब्लिक इलिप्स मैंने बताया था, जो कि हमारे पास एक टिल्ट फॉर्म में बनता है, तिरछा बनता है, तो एग्जैक्टली यही वाली इक्वेजन बनेगी, छह टर्म होंगी उसके अंदर और सब कुछ सेम टू सेम यही होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये बात देखिए समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेजन है इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। अब कैसे कंपेयर कर सकते हो, तो इसको हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो, ये इसके इसके ऊपर भी फिट एंड बैठेगी, और भले वो ऑब्लिक इलिप्स हो या ट्रांसलेट करके वो यहाँ पर इलिप्स बने कहीं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये 16x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25y, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्लस 2, ठीक है, h, अब h की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 0 और x एंड y, ठीक है। अब देखो, अब मैंने अपनी तरफ से ये वाली इक्वेजन कर ली, ठीक है। अब ये h को मैंने क्या रखा है, 0 रखा है, ठीक है ना। x को 0 नहीं रख सकता, वरना ये x भी 0 रखना पड़ता, ठीक है ना। तो h इज इक्वल टू इस केस में क्या है, 0, ठीक है, और इज इक्वल और क्या है मेरे पास, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये क्या h है, h, ये h की वैल्यू, तो मेरे पास h इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 0 का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है मेरे पास 16 है, और b क्या है मेरे पास, b 25 है, तो 25, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास आएगी ये 0 और माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा, 400 इज इक्वल टू माइनस 400। तो हमारे पास क्या ये निगेटिव में वैल्यू आई है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक हमारे पास इलिप्स रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेजन थी जो कि एक स्टैंडर्ड थी जब भी मैंने आपको दिखाई, ठीक है। अब एग्जैक्टली एक ये जो इक्वेजन है, देखो मैं आपको जो है ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है मैंने एक इक्वेजन लिखी थी, बल्कि मैं आपको लिख देता हूँ कि हमारे पास जो है इधर मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना एक इक्वेजन है, बल्कि मैं इसको जो है ना यहाँ लिख लेता हूँ, वो इक्वेजन जो है स्टूडेंट्स मेरे पास जो है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ 337x स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास जो है ना 288y स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 168, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक मिनट पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं अपनी बात करूँगा, सही है ना, 532x, ठीक है, फिर हमारे पास आ गया माइनस 624y, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया प्लस प्लस स्क्वायर हमारे पास आ गया 436 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब स्क्वायर्स ये एक मैंने क्या लिखी है, एक इलिप्स जो है जो कि ऑब्लिक इलिप्स बनता है, चाहे वो कहीं पर भी बने। ऑब्लिक इलिप्स का क्या मतलब होता है कि उसकी जो मेजर एक्सिस है ये वाली, और या माइनर एक्सिस ले लो, वो किसी भी हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स और वाई होते हैं उनकी नॉन पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, ट्रांसलेट करी हुई होगी, ठीक है ना। यानी हमारे पास ऐसे इलिप्स बने। अब इसकी जो देखो, ये जो हमारे पास मेजर एक्सिस है वो इसके क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब है ये ट्रांसलेट करें, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस इलिप्स जो है उसका मतलब है कि वो पैरेलल रहते हैं उसके माइनर और मेजर एक्सिस, एक्स के या वाई के, किसी के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक्स के हो, ठीक है। तो वो ट्रांसलेट करी हुई होती है, ठीक है। और जब वो ट्रांसलेट करती हैं तो उसकी जो इक्वेजन है इस तरह से बड़ी नहीं बनती, उसमें क्या होता है कि 2hxy जो टर्म होती है वो मिस होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो तो हमारे पास 168xy इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये एक हमारे पास ऑब्लिक इलिप्स बनना है इस तरह से। अगर ये हमारे पास एक ट्रांसलेट करा हुआ होता है ये इलिप्स, तो फिर ये वाली टर्म मिसिंग होती है, ठीक है। तो अब ये भी एक इलिप्स की इक्वेजन मैंने लिखी है, ठीक है ना, ये मैंने निकाली थी एक, ठीक है। तो अब इसका मैं, इसके अंदर ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ठीक है, और ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास वैल्यू है, अब ये h की वैल्यू नहीं है, तो h मेरे पास क्या होता है इधर 2h, तो इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू 2h के बराबर है। अब इसका मैं आधा करूंगा ना, यानी इधर मेरे पास 2 तो लिखा हुआ नहीं, अब मैं इसको तोड़ के लिखूंगा, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स, अगर मैं जो है ना
सिक्स की एट डिवाइडेड बाय टू करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया 84। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 84, 84। तो अब इसका मतलब है, और ये क्या आ गया, एक्स वाई। तो इसको मैंने कैसे लिखा है, तोड़ के लिखा है, तो ये टू इसके फार्मूले के तहत आ गया, तो इसका मतलब है ये एक्स और वाई, ये वाली वैल्यूज आ गई। तो अब ये जो वैल्यू बच रही है ये क्या होगी, एच होगी। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास 84 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, ठीक है, ए बी क्या मेरे पास, ए बी है मेरे पास 337, और टाइम्स हमारे पास क्या है, बी, बी क्या हमारे पास वाई के साथ जो है 288। ठीक है, ये हमारे पास क्या आना चाहिए, निगेटिव में आना चाहिए, तो अगर इलिप्स है, और ये निगेटिव में ही आएगा। मैंने इसका स्क्वायर कर लिया, बल्कि रूट करा है सबसे पहले, तो मैंने 84 टाइम्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर आ गया, तो ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 337 टाइम्स हमारे पास क्या आ गया, 288। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब इस वैल्यूज को मैं माइनस करवाऊंगा किसके अंदर से, 84 के स्क्वायर में से। मैंने ये वाली इनकी वैल्यू को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया प्रोडक्ट करके, तो ये स्क्वायर किया माइनस ये वैल्यू आ गई, तो देखो निगेटिव में आई, बहुत बड़ी वैल्यू। तो ये क्या मतलब है, एक इलिप्स बना रही है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि ये जनरल जो डिग्री इक्वेशन होती है वो इलिप्स की ये होती है, सेकंड डिग्री इक्वेशन विद टू वेरिएबल, जो कि हमारे पास एक ऑब्लिक इलिप्स बनाती है। ठीक है, और एग्जैक्टली वो यही इसी शेप में बनती है जैसे आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, जब हमारे पास ट्रांसलेट ये एक्सिस करेगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, एच वाली जो टर्म होगी वो मिसिंग होगी, बाकी सब कुछ एज इट इज होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आप ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस जो होता है उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये वाली बातें बहुत हो गई हैं। ठीक है, ये भी बताना जरूरी थी, काफी अहम चीजें थी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास जो है, अगर ये जो इलिप्स है, ठीक है, अगर मैं इलिप्स बना लेता हूँ लाइक इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, एक ये मेरे पास एक क्या आ गया, इलिप्स आ गया। ठीक है, सही है। अब आपको पता है कि ये हमारे पास जब सेंटर में बनता है, सेंटर में बनता है, तो हमारे पास इसका जो, अब ये देखिए, ये तो हमारे पास जो, एक मिनट, ये गलत हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो इलिप्स का जो सेंटर होता है वो हम किससे बयान करते हैं, वो हम बयान करते हैं एच और के से, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, अभी ये हमारे पास स्टैंडर्ड इलिप्स बनना है, ये जो हमारे पास इसका सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है एच और एच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी एच भी जीरो हो जाएगा और के भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो उसका सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, और ओरिजिन के ऊपर आपको पता है एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, अच्छा अब जीरो वाला तो हम बात ही नहीं कर रहे। अब हमारे पास ये हो जाए, ये ट्रांसलेट कर जाए, वही वाली बात आ गई, ये यहां पर आ जाए। अब क्या करें, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, ये तो हमारे पास क्या है, फोकस है, सही है। अब आपको पता है कि ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, सी होता है, और ये वाला भी डिस्टेंस सी होता है। अभी कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बना हुआ है, तो अब एग्जैक्टली हमें इसके क्या लिखना पड़ेंगे, पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे। ठीक है, तो अब जो सेंटर होगा तो वो तो हमारे पास कुछ ना, अब जीरो तो नहीं होंगे, यानी हमारे पास जो सेंटर होगा, अब स्टूडेंट हमारे पास जो सेंटर होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्स की तरफ ये वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है, एक्स की तरफ जो डिस्टेंस होगा, यानी एक्स की, एक्स से जो दूर होगा वो ये वाला डिस्टेंस है, और वाई से जो दूर है वो ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, तो वाई डिस्टेंस ये पहले पहले से ही इसने क्या करा हुआ है, घेरा हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है ना, अब क्या करें, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, मिसाल के तौर पे आपको आपको जो है ना पता है कि इसके एच और ये जो एच और जो के है वो क्या है, इसका सेंटर है। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी पता है कि सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, ये फोकस लिख लेता हूँ, ये क्या होता है, सी डिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, ये भी सी होता है। अब जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बनेगा तो आपको पता है कि अगर मैं राइट साइड पे जाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव होंगी सारी। अगर मैं लेफ्ट साइड पर जाऊंगा, जैसे नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन होती है जीरो होती है, इधर मैं चलूंगा तो एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, और वापस में इधर से ये मेरे पास फोर लिखा हुआ है। अगर मैं ये डायरेक्शन जो है वो इस तरफ आता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव की तरफ आ रही है। नेगेटिव की तरफ क्या होती है, वैल्यू छोटी होती जाती है, यानी तीन पे आएगी, दो पे आएगी, कम हो रही है ना, बैकवर्ड आ रही है इसकी वैल्यूज वापस। तो ये सेंटर जो है, अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आप जो है सेंटर से ही, सेंटर से जो, सेंटर से ही आप ये जो वैल्यूज हैं
वैल्यूज जो है, आप यहां से चलना शुरू करें राइट साइड पे तो आप बोले पॉजिटिव है, ठीक है, और यहां से नेगेटिव चले तो आप बोले यार सारी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। मगर अगर मैं यहां से जो है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो 2 है, अगर मैं इस 2 से राइट साइड पे चलूंगा तो आपको पता है भाई पॉजिटिव है। 2 के बाद क्या आना है, 2 के बाद आपको जो आना है नंबर वो क्या आएगा, 3 आएगा। और अब मैं इस तरफ चलूंगा तो क्या आप नेगेटिव वैल्यू कहेंगे या पॉजिटिव कहेंगे? आप बोलो यार ये सर 2 से अगर मैं पीछे की तरफ आऊंगा तो ये +1 ही आएगा, सही है, तो इसका मतलब है ये जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव ही कंसीडर होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस नंबर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, और जहां पर हमारे पास उस नंबर की वैल्यूज जो है वो अगर डिक्रीज कर जाए तो वो डायरेक्शन क्या मानी जाती है, नेगेटिव मानी जाती है, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव यहां से इसलिए पॉजिटिव मान रहे थे क्योंकि राइट साइड पर चलते ही 0 से बड़े नंबर आ रहे थे, सही है। अब जाहिर सी बात है इधर हमारे पास 0 से बड़े नंबर आ रहे थे तो इसका मतलब है ये राइट साइड में पॉजिटिव है, और ये 2 से अगर मैं इस तरफ अगर मैं चलता हूं तो मेरे पास ये 1 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी मेरे पास क्या हुआ, 1 से 2 से 1 माइनस हुआ इज इक्वल टू 1 आया है, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या हुई है, माइनस हुई है। इसका मतलब है वो डायरेक्शन निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, देखने के लिए तो लग रही है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस बात को अगर मैं जो है यहां पर क्लियर करूं तो मेरे को मिसाल के तौर पे ये जो सेंटर है, सेंटर का मुझे पॉइंट पता चल जाए, लेट सपोज मेरे पास हो 2,2, सही है। अब 2,2 हो और मुझे पता हो कि यार जो मेरा जो सी डिस्टेंस है, जो मेरा मिसाल के तौर पे जो मेरे पास सेंटर से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, 3 है, ठीक है। तो आपको पता है ये वाला डिस्टेंस भी 3 होगा, तो अब इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, तो आप बोलोगे कि हमारे पास सर ये जो इसका जो फोकस है वो क्या है, वो ये हमारे पास एक्स डिस्टेंस है और ये क्या है, ये वाई डिस्टेंस है, यानी ये एच है और ये के, ठीक है। अगर ये मेरे पास ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो मैं, अब देखिए ये तो सी जो है इधर, आप जो है इधर जो है इधर 3 नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 3, ये फोकस से लेकर सेंटर से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस है। जब हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बनाते हैं तो हमें एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट लिखना पड़ते हैं कि ये पॉइंट इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक कहाँ लाए कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम कहीं देखें तो हमारे पास जो है ना ये सिस्टम जो लाए कर रहा है, ये हमारे पास इधर अगर मैं देखूँ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, और फिर फोकस से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या है, 3 है ना, तो ये मेरे पास टोटल फोकस तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बात कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, अब क्लियर हुई होगी आपको, ठीक। और अब के डिस्टेंस क्या है, के तो वही डिस्टेंस है, के डिस्टेंस क्या है, के तो वही है 2, तो इसका मतलब है जो वाई होगा वो तो 2 ही है, ऊपर हाइट तो वही है ना, सिर्फ हमारे पास वो वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। अच्छा मैं तो थोड़ा सा क्लियर करके आपको दिखाता हूँ ताकि और आप इसको क्लियर कर सको, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको जो है थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो है 2,2 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर मुझे इधर आता हूँ 2 मिनट, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हटा लेते हैं, ठीक है ना। अब मुझे जब इसके कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, ठीक है, जब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता होंगे भाई, मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं किसके सेंटर के वो क्या है, 2,2 है, तो मुझे पता है यार, अगर मुझे पता है यार फोकस से लेकर सी तक का डिस्टेंस है वो 3 है, तो मैं इस एक्स डिस्टेंस के ऊपर वो क्या करूँगा, वो 3 डिस्टेंस ऐड कर लूँगा, तो मुझे फोकस वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा, यानी मेरे पास ये 2 डिस्टेंस और प्लस मेरे पास ये 3 डिस्टेंस, यानी सी वाला डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस 3, तो ये वाले डिस्टेंस के अंदर जब मैं 3 ऐड करूंगा तो मेरे पास ये 5 आ जाएगा, और ये y क्या है, ये 2 है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है यार ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास x डिस्टेंस है, ठीक है, और अब ये वाला भी जो डिस्टेंस है, कौन से वाला, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये भी मेरे पास क्या है, 2 डिस्टेंस है। अब मैं इसको क्या करूं, तो देखिए जब मुझे x डिस्टेंस पता है तो मुझे पता है यार ये जो c डिस्टेंस होगा ये राइट साइड पे है, अब इस तरफ ये हम इस तरफ चलेंगे लेफ्ट साइड पर तो यहीं से निगेटिव वैल्यू शुरू हो जाएंगी, जरूरी नहीं इसके बाद से शुरू हो, यहीं से, क्योंकि अब इधर हमारे पास ये 2 है तो इधर आके 1 हो जाएगा क्योंकि वैल्यू कम हो रही है ना, तो हमें पता है यार ये जो लेफ्ट साइड पर वैल्यू है c की वो क्या है, निगेटिव की तरफ जा रही है, सही है। तो हम क्या करेंगे, इस x के अंदर,
x x के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2 है, 2 के अंदर से माइनस करवाएंगे 3, है ना, 2 के अंदर से माइनस करवाएंगे 3, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -1। तो ये हमारे पास क्या होगा, -1 ही होगा, है ना, ये हमारे पास -1 ही होगा। आप देख भी सकते हो, ठीक है, ये अगर हमारे पास कितना है, 3 है, तो ये हमारे पास 2 डिस्टेंस ये वाला आ गया और 1 डिस्टेंस ये, तो ये पूरा डिस्टेंस 3 हो गया ना, ये पूरा डिस्टेंस 3 हो गया। और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक देखें तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 1 ही डिस्टेंस है, ये 1 ही है, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, हमें पता चल रहा है यार, ये अगर कहीं पर भी लाए करे, मैंने तो एक नंबर की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है, कि अगर हमारे पास जो है ना, हमें पता होता है कि यार सेंटर वो क्या है, सही है। अब सेंटर जो है इधर मिसाल के तौर पर यहाँ बनता है, जिसको मैं कहता हूँ सेंटर सी, वो मेरे पास है एच कोमा के, ठीक है। तो अगर ये जो सी डिस्टेंस इधर मेरे पास फोकस के लिए बनेगा, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो डिस्टेंस बनेगा इस एच यानी एक्स डिस्टेंस के अंदर में सी डिस्टेंस क्या करवा लूंगा, एक करवा लूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एच प्लस सी और कोमा वाई डिस्टेंस क्या है, के ही है, के डिस्टेंस, ठीक है। और ये मेरे पास जो दूसरा फोकस है, यह वाला फोकस, तो ये मेरे पास ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ये मेरे पास जो है एच एच डिस्टेंस, ठीक है ना, यानी इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा भाई, एच डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट के ऊपर मुझे अगर इस पॉइंट को जानना है, तो ये जहां पर भी पॉइंट खड़ा हुआ है उसके अंदर में ये वाला डिस्टेंस क्या करवा दूंगा, माइनस करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा एच माइनस सी, और दूसरा वाई क्या है, वाई हमारे पास फिक्स है, ठीक है। अब इस तरह से यहां पर अगर हमारे पास जो वर्टेक्स है, जिसको मैं ए कह लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो इसके मुझे पता है यार, ये मेरे पास जो डिस्टेंस होता है, ये ए डिस्टेंस होता है सेंटर से, सही है। मेरे पास क्या होता है, ये सेंटर से लेकर, मेरे पास क्या होता है, सेंटर से लेकर इस वर्टेक्स तक का डिस्टेंस जो होता है वो ए होता है, ठीक है। मगर इसने एच डिस्टेंस पहले से ही लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस लेने के लिए, ये मेरे पास ए डिस्टेंस और ये मेरे पास एच डिस्टेंस, तो मेरे पास क्या होगा, इस एच के अंदर से मैं क्या करवा दूंगा, एच प्लस, इसको मैं क्या करवा दूंगा स्टूडेंट्स, एच प्लस, एच प्लस, ये मेरे पास आ जाएगा एच प्लस, एच प्लस ए, और वाई कितना है, वाई तो हमारे पास के ही है। अब ये हमारे पास क्या एच डिस्टेंस है, तो इस एच के अंदर से ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, माइनस ए होता, ए होता है ना। अभी हमारे पास इधर बनना है, तो मुझे लेफ्ट साइड पर जाने के लिए एच के अंदर से मैं क्या करवाऊंगा, ए माइनस करवाऊंगा, तो मेरे पास ये जो वर्टेक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एच माइनस ए, और वाई डिस्टेंस क्या है, के, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होता है, बी डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये हमारे पास को वर्टेक्स होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो को वर्टेक्स होता है, अब ये को वर्टेक्स हो गया, तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वाई जो होता है ये बी डिस्टेंस होता है एक्चुअली, तो हमारे पास ये जो इसने डिस्टेंस जो एक्स की तरफ जो लिया हुआ है, वो पहले से वो क्या लिया हुआ है, को वर्टेक्स ने अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ वो क्या लिया हुआ, वो तो एच लिया हुआ है, और वाई डिस्टेंस क्या लिया हुआ है, तो वाई डिस्टेंस इसने जो लिया है वो लिया है के, ये वाला डिस्टेंस, और प्लस बी डिस्टेंस, तो के प्लस बी, ठीक है, तो के प्लस बी आ गया। और इधर क्या है, अब इसी इसी पॉइंट के ऊपर खड़े होकर हम बोलेंगे यार, अब हम पीछे की तरफ आएंगे, है ना, अभी पॉजिटिव बी की तरफ गए ना, तो हमारे पास ऊपर की यानी पॉजिटिव वाई मिला है। अब इस पॉइंट के ऊपर खड़े होकर अब ये हमारे पास जो ये जो एक्स डिस्टेंस है वो क्या है भाई, एच है, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर वाई कितना है, वो के है। अब के से खड़े होकर हम बी को नीचे की तरफ आएंगे, तो वो माइनस ही हो रहा है ना, तो माइनस बी करवाएंगे, तो हमें ये वैल्यूज मिल गए, ठीक है। तो ये आपको जो है याद रखने हैं, ये हमारे पास क्या है स्क्वायर, ये उसके क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे, किसके, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना, अब देखिए इक्वेशन बनाने के इसके जो तरीके हैं वो क्या है, वो सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, जो मैंने दोनों के दोनों प्रूफ किए हैं। एक तो ये था कि दोनों फोकस से जो है ना, यानी इस फोकस को ज्वाइन करूँ किसी एक पी पॉइंट पे, एक्स और वाई, और इन दोनों को ज्वाइन करूँ, और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास 2a के बराबर होगा। आप इस पॉइंट के डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस f से लेकर इस p तक का डिस्टेंस x और y निकालो, ठीक है, और p से लेकर इस f तक का डिस्टेंस निकालो, तो वो 2a के बराबर होगा। तो फिर आपके पास जो इक्वेजन सोल्व होकर आएगी ना स्क्वायर्स, वो इक्वेजन हमारे पास आएगी
वो पता है क्या है, एग्जैक्टली हमारे पास आ जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब एस एक्स के नीचे क्या आएगा, वो एच ही है, वो ए ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो वर्टिकल है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है, और फिर हमारे पास जो है ना, फिर हमारे पास जो है प्लस वाई डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, सॉरी वाई स्क्वायर मैंने गलत लिखा, मैंने लिखना था ये हमारे पास आ गया वाई माइनस के, ठीक है। और इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वन, ठीक। अब जब ये वर्टिकल हिल्स बनेगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ये ए इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा, सेम टू सेम यही होगा। और एच, एच अगर वो हम इसमें ही देख लेंगे तो हमारे पास ये एच इज इक्वल टू क्या होगा, एच और के, वो हमें पहले ही बता देगा कि सेंटर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये चीज़ें देखिए क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर है मगर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं वर्टिकल इलिप्स के लिए भी आपको ये चीज़ें समझा दूँ, ठीक है ना, आप शायद आपको बात जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड तो आपको, ताकि आपको जो बात है वो पूरी तरह से क्लियर हो, ठीक है ना। तो बड़ा सही है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ इस चीज़ का, बाकी चीज़ तो इसको यानी रखते की जबान में तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई मसला ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक इस तरह से मैं एक इलिप्स बना लेता हूँ, ठीक है ना। अब इसको जैसे ही हमारे पास एक वर्टिकल इलिप्स आई है, ठीक है, अब इसकी जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो आपको पता है। अब जैसे ही ये ट्रांसलेट कर जाएगा तो हमारे पास जो है, इसको पहले मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, कलर हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसका जो फोकस है, देखिए फोकस लाइक यहाँ बनेगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या बनेगा, एच कॉमा के, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बात क्लियर करता हूँ। अब ये वाला जो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, ए डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ये वर्टेक्स होगा, जाहिर से बात है हमारे पास वर्टिकल एलिप्स का जो वर्टेक्स है वो ऊपर बनता है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास वो होता था स्ट्रिंगर के केस में, एक्स क्या होता था, जीरो होता था, और वाई क्या होता था, ए होता था। अब ए जो है वो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जब यहां हुआ करता था, अब ये वाला ये पॉइंट इधर आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट नहीं होंगे, यानी इसने जो है, इस पॉइंट ने जो है, ये पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाया करता था, तो एक्स क्या होता था, वाई क्या होता था, वो तो जीरो होता था, सॉरी एक्स, तो इधर एक्स डिस्टेंस तो कुछ कवर हुआ, यहाँ पर आप देखो तो वो एच डिस्टेंस है। तो हमें पता चल गया यार, जो एक्स डिस्टेंस है वो कितना है, वो एच जो डिस्टेंस है। अब जरूरी नहीं, देखिए इलिप्स कहीं पर भी बन सकते हैं, आप बोले यार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना है तो जब भी ऐसा हो रहा, कहीं पर भी बने, कहीं पर भी, बल्कि मैं आपको ये चीज़ दिखा भी देता हूँ, ये इलिप्स जो है बल्कि यहाँ बना लेता हूँ मैं मिसाल के तौर पे, ताकि आपको जो है बात वो ठीक तरह से क्लियर हो, ठीक है। अब मेरे पास जो ऊपर वाला डिस्टेंस होगा, ऊपर वाला जो डिस्टेंस होगा, ये मेरे पास एच, ये कोई पहले से इसने जो है ना एच डिस्टेंस यानी एक्स की तरफ जो डिस्टेंस है वो पहले से तय किया हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास इस पॉइंट के लिए जो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा भाई, वो मेरे पास एच डिस्टेंस होगा। अब वो निगेटिव पॉजिटिव मुझे नहीं पता, सही है ना, वो एच डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो मेरे पास एच डिस्टेंस होगा। और वाई डिस्टेंस कितना होगा, तो मेरे पास जो है वाई जो डिस्टेंस है, वाई जो डिस्टेंस है इस y पॉइंट के ऊपर, ये y पॉइंट के ऊपर जो है मैं a डिस्टेंस इस k के अंदर एक करवाऊंगा, k के अंदर क्या करवाऊंगा, एक करवाऊंगा, तो मेरे पास उसका वर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो पॉइंट होगा, इसका दूसरा वर्टेक्स वो क्या होगा हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट है, तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो भाई इसने h जो डिस्टेंस है वो पहले से तय किया हुआ एच है, वाई डिस्टेंस क्या है, तो वाई के ऊपर खड़े होकर, y के ऊपर मैं खड़ा होकर मैं क्या करूंगा, अब ऊपर की तरफ जाते हैं y, क्या हम क्या कंसीडर करते हैं भाई, यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, ये मेरे पास 3 है, माइनस 3 है। अब मैं जैसे ही ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास इससे ग्रेटर वैल्यू आएगी, है ना, मेरे पास वैल्यू बढ़ेगी, तो माइनस 2 आ जाएगा। अब आपको पता है माइनस 2 माइनस 3 से बड़ा है, और ऊपर जाऊंगा माइनस 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, और 0 सबसे बड़ा है। ऊपर जाएंगे पॉजिटिव कंसीडर होगी, ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर खड़े होकर आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर होगी, चाहे वो ओरिजिन हो या नहीं हो। तो अभी इस पॉइंट के ऊपर आप नीचे की तरफ जाओगे तो नीचे की तरफ डायरेक्शन क्या होती है, एक्स की वाई होती है। तो इस पॉइंट के ऊपर खड़े होकर आप इसका जो के डिस्टेंस है, इस पॉइंट के ऊपर के डिस्टेंस के अंदर से आप माइनस करवाओगे कौन सा डिस्टेंस, क्योंकि आपको माइनस की तरफ की वैल्यू देखनी है ना, तो के अंदर से माइनस करवाओगे ए, तो
तो ये आपके भाई ये वाला वर्टेक्स आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है, अब राइट साइड पे चलते हैं तो हमारे पास इतने क्या डिस्टेंस तय किया हुआ होगा, हमारे पास इस एच एच डिस्टेंस में, इसमें जो पहले से एच डिस्टेंस तय किया हुआ है उसको रखते हुए हम इसके ऊपर जो ये वाला जो डिस्टेंस होगा बी एड करवा लेंगे, जो कि हमारे पास अब एड क्यों करवाएंगे, क्योंकि इस तरह हम पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास ये एक्स डिस्टेंस आ जाएगा और वाई हमारे पास क्या होगा, तो वाई इसने पहले से तय किया हुआ है जो कि हमारे पास क्या है के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया के। इसी तरह से सिमिलरली अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा एच डिस्टेंस, जो उसकी पोजिशन है, और फिर उस पोजिशन से हमें किस तरफ जाना है, उसकी निगेटिव की तरफ एक्स की वैल्यू देखने, तो निगेटिव की तरफ जाने के लिए हम निगेटिव साइन और फिर वो जो बी है, बी होता है ना डिस्टेंस, तो ये बी डिस्टेंस हम लिखेंगे और वाई डिस्टेंस क्या है वो के। ठीक है, सिमिलरली फोकस भी ऐसे ही होंगे भाई, फोकस हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे पास सी डिस्टेंस होता है, यानी हमारे पास एच डिस्टेंस जो है वो तो फिक्स है, और वाई डिस्टेंस क्या है, तो जो y डिस्टेंस से k उसके ऊपर खड़े होकर हमने क्या करा, अगर ऊपर की तरफ फोकस देखना पॉजिटिव वाला, यानी जो x की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होता है, सही है, वो y की ये वर्टिकल है, तो उस k जो इसमें जो डिस्टेंस है y डिस्टेंस जो k बोल रहा हूँ मैं, उसके ऊपर खड़े होकर मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर खड़े होकर मैं y को एड करवा लूँगा। y का क्या एड करवाने का मतलब है, जो कि मेरे पास c डिस्टेंस होता है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर k के अंदर ऐड करवाऊंगा c, तो मेरे पास आ गया प्लस c। लाइक इस तरह से मेरे पास ये क्या आ गया, मेरे पास ये जो x डिस्टेंस है वो तो h फिक्स है, ठीक है, और y क्या है, अब मेरे पास y जो है वो k पॉइंट के ऊपर खड़े होके मेरे को निगेटिव की तरफ वाला जो है फोकस देखना है, तो मैं माइनस करवाऊंगा c को, तो मेरे पास ये क्या आ गया, फोकस आ गया। ठीक है, और इसी तरह से फिर जो डायरेक्ट्रिक्स वगैरह होंगी वो सारी चीज़ें इसी तरह से ही निकलेगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट ज़रूर थी, ठीक है ना, मगर एक रट्टे से तो बेहतर थी। ठीक है, और इसकी जो इक्वेजन होगी वो हमारे पास बनेगी h माइनस एक्स माइनस एच, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इधर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस हमारे पास वाई माइनस सी, और वाई माइनस सी सॉरी मैंने गलत लिख दिया, वाई माइनस के इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा बी ए स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू वन। अब इसको कैसे प्रूफ करना है, जैसे ऊपर वाली को प्रूफ करना है बिल्कुल सिमिलर वैसे ही प्रूफ करना है, और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इसको काफ़ी डिटेल से बताया प्रूफ करने का, जब मेरे पास जो फोकस के होते थे वो पॉइंट क्या होते थे, वो हमारे पास होते थे ये हमारे पास एच क्या होता था जीरो होता था, और वाई क्या होता था हमारे पास सी होता था, सही है ना। अब आपको इसके पॉइंट मिल गए नए वाले, तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट कंसीडर करके एफ से लेकर ये पी एक्स एंड वाई डिस्टेंस चेक करोगे, और पी से लेकर इस दूसरे फोकस तक का डिस्टेंस निकालोगे, तो ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन लूँगा जिसके अंदर सारे जो कंक्लूजन है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है।